आज का जो हमारे टॉपिक है दैट इज बेसिकली पासिंग डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू, कि अपने कंट्रोलर से कैसे पास कर सकते हो अपने व्यू के अंदर डेटा। और तीन तरीके हैं कंट्रोलर से डेटा पास करने के हमारे पास। सबसे पहला जो तरीका है वो आपके पास है कॉम्पैक्ट को यूज करते हुए आप जो है वो अपना डेटा पास कर सकते हो, या फिर आपके पास विद फंक्शन है, विद के जरिए भी आप अपने डेटा को कंट्रोलर से व्यू के अंदर पास कर सकते हो। और तीसरा जो हमारे पास तरीका है एरे के फॉर्म में। ठीक है, तो ये तीन तरीके हम देखेंगे कि हम कंट्रोलर से डेटा पास कैसे कर रहे हैं व्यू के अंदर। और लास्ट टाइम आपको बताया कि मैंने कंट्रोलर क्रिएट करना आपको बताया था, जिन्हें नहीं पता कि कंट्रोलर कैसे क्रिएट करना है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी लास्ट वीडियो का, वो जाके देख सकते हैं कि कंट्रोलर लारावेल के अंदर आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हो। सारे कंट्रोलर आपके HTTP के फोल्डर के अंदर आ रहे होते हैं, और इसके अलावा आपके पास जो है वो व्यूज, आपके पास जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे व्यूज है। व्यूज आपके पास रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर व्यूज का फोल्डर होता है, और लाइक मैंने होम का एक फोल्डर खुद से क्रिएट किया था व्यू के अंदर, क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि जो कंट्रोलर है आप उस नाम का अपना एक फोल्डर क्रिएट कर लो व्यू के अंदर, ताकि उससे रिलेटेड जितने भी व्यूज हैं आपके उस फोल्डर के अंदर आ जाए। ठीक है जी। और सेकंड चीज कंट्रोलर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको पता होनी चाहिए, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी जब आपको व्यूज क्रिएट करना बताए थे, कि आपके जितने भी व्यूज होंगे उनकी एक्सटेंशन .blade.php, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं या यहाँ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास कहलाती है ब्लेड टेम्पलेट, आपने बनाया है .blade.php। बेसिकली आपके पास ये जाहिर कर रहा है कि ये यहाँ पर आप ब्लेड सिंटेक्स लिख सकते हो। अब ये ब्लेड टेम्पलेट होता क्या है, इसका मैं सेपरेट लेक्चर जो मेरा होगा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो इसी पर है, ब्लेड टेम्पलेट के ऊपर, तो वो मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी। अभी फिलहाल आपने इतना समझना है जितने भी जो व्यूज हैं आपके .blade.php में जो है वो इसके एक्सटेंशन से आपके पास सेव हो रहे होंगे। ठीक है, और हम जो है सबसे पहले तरीके की तरफ चलते हैं अपने। हमारा सबसे पहला तरीका जो हम करेंगे, सबसे पहले कॉम्पैक्ट को देख लेते हैं। अच्छा जी, कॉम्पैक्ट में आपके पास ये है कि आप लाइक यहाँ पर कोई वैल्यू पास कर रहे हो। अच्छा, ब्लेड टेम्पलेट इंजन को अगर आपको इन सिंपल वर्ड्स भी अगर मैं आपको डिफाइन करूँ ना, कि PHP के कोड को आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो इस टेम्पलेट के अंदर। अगर लाइक आप पुराने जो है कोर PHP की अगर मैं बात करूँ, तो आपको क्या होता था कि अगर आपको PHP की कोई चीज परफॉर्म करनी है तो फिर बार बार आपको PHP का जो है वो टैग को ओपन करना पड़ता था, फिर उसके अंदर आप इको करवाते थे अपनी चीजों को। अब यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पे आपकी अपनी HTML भी जारी होगी, आपके पास यहाँ पर आप ब्लेड सिंटेक्स भी लिख सकते हो, और उस सिंटेक्स को लिखने का एक प्रॉपर तरीका है वो मैं अभी जब मैं यहाँ से वैल्यूज पास करूंगी तब आपको बताऊंगी। आपने अगर ASP.NET MVC पे काम किया है तो वहां पे हमारे पास क्या होता था कि हम वहां पे जितने भी व्यूज होते थे हमारे .cs HTML की एक्सटेंशन से सेव हो रहे होते थे। यहाँ पे वही चीज हमारे पास .blade.php से सेव हो रही है, और वहां पर भी क्या होता था कि हम C# और HTML दोनों को परफॉर्म कर रहे होते थे, और वहां पे वो चीज हमारे पास रेजर सिंटेक्स कहलाता था। और वो जो जैसे हम रेजर इंजन कहते थे कि रेजर इंजन जो है वो उसको बेसिकली प्रोसेस करता था आपके रेजर सिंटेक्स को, इसी तरीके से यहाँ पे ब्लेड टेम्पलेट है जिसके अंदर हम ब्लेड सिंटेक्स को जो है वो राइट डाउन कर रहे होंगे। तो बिल्कुल सेम एज इट इज उसी तरह की चीज है, बस सिंटेक्स चेंज है आपके पास। दो दोनों का कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया, जिन्होंने ASP.NET MVC पे काम किया होगा तो उनको भी ये चीज क्लियर हो गई होगी। कॉम्पैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और उस वेरिएबल को सपोज मैंने नाम दे दिया कोर्स का। ठीक है जी, डॉलर के जरिए आपको पता है यहाँ पे वेरिएबल हम बना रहे होते हैं, और इसके अंदर मैंने रख दिया MS Office। ठीक है जी, अब ये जो वैल्यू है ये मुझे अपने व्यू के अंदर दिखानी है कि कोट्स वेरिएबल के अंदर MS Office पड़ा हुआ है, तो मैं किस तरह से जो है वो वैल्यू को यहाँ पे पास करूंगी। मैं सेकंड पैरामीटर बनाऊंगी यहाँ पर कॉम्पैक्ट का। अच्छा, यहाँ पर आकर आप उसके अंदर अपना वेरिएबल पास करोगे, लेकिन आपने डॉलर के साइन के साथ यहाँ पर अपना वेरिएबल पास नहीं करना। अच्छा, कोट्स की स्पेलिंग जो है वो हम सही कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको आपने अपने व्यू में कैसे एक्सेस करोगे, आपको पता है इसका व्यू जो बना हुआ है होम डॉट इंडेक्स, मतलब होम के फोल्डर के अंदर इंडेक्स आपका व्यू बना हुआ है जो कि ये वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको, ये आपके पास ब्लेड टेम्पलेट है, आप इसके अंदर सपोज इस वैल्यू को एक्सेस कर रहे हो तो आपको ब्लेड सिंटेक्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको दो बार कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करने हैं और क्लोज करने हैं, और अपने वेरिएबल का नाम जो है यहाँ पे पास कर देना है, आपका वेरिएबल है डॉलर कोड्स का। ठीक है, अब इसका राउट क्या है, मतलब आप इसको ब्राउजर पर कैसे एक्सेस करोगे इस व्यू को,
तो मैंने जो राउट क्रिएट किया हुआ था वो ये राउट था, होम स्लैश इंडेक्स, ठीक है। इसका पैटर्न मैंने ये डिफाइन किया हुआ था, ठीक है। आपका खाली इंडेक्स भी हो सकता है, आपको मैंने नेम राउट समझाया था तो मैंने थोड़ा पैटर्न आपको लंबा करके दिखा दिया था कि स्लैश होम स्लैश इंडेक्स भी हो सकता है, आपका पैटर्न छोटा भी हो सकता है, आपका पैटर्न बड़ा भी हो सकता है, आप चाहें तो। अब मैं ब्राउजर पे जाके लिखूंगी स्लैश होम स्लैश इंडेक्स, तो मुझे जो है वो ये वैल्यू एक्सेस कर पाऊंगी जो मैंने कंट्रोलर से पास किए। पेज को आके रिफ्रेश करते हैं तो देखें यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ गई एमएस ऑफिस। तो इस तरीके से आप कॉम्पैक्ट में मल्टीपल वैल्यूज भी पास कर सकते हो। तो कैसे पास करोगे, लाइक मैं एक और यहाँ पर वेरिएबल बना रही हूँ जो मैंने यहाँ पर रख दिया, सपोज अली, ठीक है जी। अब मैं मतलब चाह रही हूँ कि कॉम्पैक्ट के जरिए मैं मल्टीपल वैल्यूज को पास कर दूँ, तो कोई इशू नहीं, आप यहाँ पर आकर इस वैल्यू को भी पास कर सकते हो ऐसे करके। और अपने व्यू में कैसे पास करोगे, सपोज आपने एक और पीकर टैग बना दिया और इसके अंदर आकर आपने ब्लेड सिंटेक्स लिखा और अपने वेरिएबल को यहाँ पर पास कर दिया। तो इस तरीके से आकर आप जो है वो मल्टीपल वैल्यूज, मोर देन वन वैल्यूज भी कॉम्पैक्ट में पास कर सकते हैं इजीली। पहला तरीका हमारा हो गया कॉम्पैक्ट, बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। और ये दो बार ब्रैकेट ओपन करना क्लोज करना, ये आपके पास क्या है, आपके पास ब्लेड सिंटेक्स आपने यहाँ पर डिफाइन किया है ब्लेड टेम्पलेट के अंदर। अच्छा जी, इन दोनों को कर देते हैं हम कमेंट। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे तरीके की तरफ। वी कैन ऑल्सो यूज विद फंक्शंस टू पास डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू। तो हम कंट्रोलर से व्यू में डेटा पास कर सकते हैं विद के जरिए भी, और विद किस तरह से यूज करेंगे आइए चलते हैं उसको देख लेते हैं। मैंने इन दोनों को कर दिया कमेंट। अच्छा, कमेंट किया है तो आप एक चीज नोट करें कि यहाँ पे ब्लेड सिंटेक्स को मैंने कमेंट किया, तो वो कैसे कमेंट हुआ है कि दो बार कर्ली ब्रैकेट्स ओपन हुए हैं और दो बार हाइफन आया है, और फिर इसी तरीके से दो बार हाइफन आया है और दो कर्ली ब्रैकेट्स एंड में क्लोज हुए हैं। मैंने क्योंकि एक्सटेंशन यहाँ से जो है वो डाउनलोड की हुई है लारावेल की ब्लेड स्निपेट, ये वाली, ठीक है। तो ये इजीली आपकी जो जो है ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन में आप जो भी काम परफॉर्म कर रहे होगे वो ये एक्सटेंशन आपकी हेल्प करेगी कि आप कर सकते हो। तो आप भी इस एक्सटेंशन को जो है वो इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने पास। इसके अलावा मैंने जो है वो एक और की हुई है लारावेल स्निपेट की, ये भी बड़ी अच्छी एक्सटेंशन है। देखें, आप राउटिंग क्रिएट करेंगे तो आप इजीली राउट्स जो है वो आपको इतना लंबा लंबा राउट्स खुद से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये एक्सटेंशन आपकी हेल्प करेगी और आपको कम से कम टाइप करना पड़ेगा, ठीक है जी। जैसे यहाँ पर आकर मैंने वो भी की हुई है एक्सटेंशन, तो मैं यहाँ पर आकर लिखती हूँ राउट कॉलन कॉलन गेट, तो मेरे पास पूरा राउट क्रिएट करके ये इस तरह से दे देगा। तो ये एक्सटेंशन है, इन एक्सटेंशन को आप अपने पास भी जो है वो इंस्टॉल कर लीजिएगा। हम चलते हैं अपने विद फंक्शन की तरफ। इन तीनों को फिलहाल कर देते हैं हम कमेंट कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से, और अच्छा व्यू के फंक्शन में एक और फंक्शन कॉल करेंगे जब हम विद को यूज कर रहे होंगे। ये हमारे पास व्यू का फंक्शन है, इधर ही हम विद का फंक्शन कॉल करेंगे, और यहाँ पर जो वैल्यूज पास हो रही होंगी वो आपकी लाइक एसोसिएटिव एरे की वैल्यू पेयर की फॉर्म में वैल्यूज पास हो रही होंगी। लाइक की ये है, ठीक है, इसकी वैल्यू है हमारे पास ये। इसी तरीके से सेकंड आपकी जो है वो की ये होगी, और फिर आप उसकी वैल्यू बता दोगे यहाँ पर, और अपने व्यू पे आके आप इनको किस तरीके से एक्सेस करोगे, ब्लेड सिंटेक्स फॉलो करेंगे डॉलर EMP1 कीज के जरिए आप एक्सेस कर रहोगे, जो आपकी कीज है वहां पर उनके जरिए आप यहाँ पर इसको एक्सेस करोगे। ब्राउजर पे आते हैं, पेज रिफ्रेश करते हैं तो देखें हमारे पास वैल्यूज आ गई। अच्छा, आप देख लेते हैं कि एरे को यूज करते हुए हम किस तरीके से कंट्रोलर से व्यू में डेटा पास कर रहे होंगे। सो वी कैन से द नेम एरे इज द एरे ऑफ डेटा दैट इज पास एज द सेकंड पैरामीटर टू द व्यू मेथड। आप यहाँ पर आओ और फिलहाल हम इसे कर देते हैं कमेंट, और आपको एज अ सेकंड पैरामीटर के अंदर यहाँ पर आपने एरे पास करना होगा अपने। लाइक आपने की वैल्यू पेयर की फॉर्म में एरे पास कर दिया, आपने कहा सपोज Product1 एसोसिएटिव एरे की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन यहाँ फर्क सिर्फ इतना है कि विद के फंक्शन के साथ आपको विद जो है व्यू के साथ कॉल करना पड़ रहा था, और यहाँ पर व्यू के सेकंड पैरामीटर में आप अपना एरे डिफाइन कर रहे हो, आपने कहा सपोज माउस। इसी तरीके से आपने सेकंड प्रोडक्ट बता दिया, आपने कहा Product2 है मेरी, मजीद आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। एक्सेस करना होगा व्यू पे, तो हम उसकी कीज की मदद से जो है वो एक्सेस कर रहे होंगे। किस तरीके से, ये मेरा एरर डिफाइन हो गया और मैंने उसको
सेकंड पैरामीटर में जो है वो डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर आकर मैं एक्सेस करूंगी, इसे हम कर देते हैं फिलहाल कमेंट, और यहाँ पर आकर डॉलर प्रोडक्ट वन ब्राउजर पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखें आपकी इस तरह से वैल्यूज आ रही होंगी। ठीक है, अच्छा मल्टीपल एरेज भी आप पास कर सकते हो, किस तरीके से वो मैं आपको बता देती हूँ। इसको मैंने फिलहाल कर दिया कमेंट, और यहाँ पर आकर मैंने एक काम किया, मैं एरे डिफाइन कर देती हूँ अलग से। ठीक है, सेपरेट एरे मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया इस तरह से, और मैंने एरे को नाम दे दिया यहाँ पर कोर्स। एरे वैल्यूज यहाँ पे पास कर दी, लाइक मैंने कोर्सेस डिफाइन कर दिए यहाँ पर। अच्छा अब मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे जो पास करूंगी उसको वो डॉलर डेटा पास करूंगी, और इसको व्यू में एक्सेस करना है। तो आपको पता है कि अगर व्यूज में एक्सेस करना है तो इसका जीरो इंडेक्स है, वन है और टू है, तो डॉलर कोर्स के जरिए हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे होंगे इसको। तो फिलहाल कर देते हैं कमेंट, और इंडेक्स के जरिए हम वैल्यूज को एक्सेस कर लेंगे। यहाँ आते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो देखें आपके पास ये वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, ये तो एक मैंने सेपरेट अलग से एक मतलब ये बनाया था एरे, और उसको इस तरह से पास कर दिया। एक और बना लेते हैं एरे, ठीक है, उसको भी आप इसी तरीके से यूज कर रहे होंगे, लाइक मैंने यहाँ पे बना लिया और यहाँ पे कुछ वैल्यूज पास कर दी। मैंने कहा सपोज एचआर, अकाउंट्स, और लास्ट मैंने दे दी मार्केटिंग। ठीक है, अब आपके पास देखिए यहाँ पे डॉलर डेटा ही पास हुआ है, और यहाँ पे ये चीज मैंने सेम रखी हुई है। तो अब मैं चाहती हूँ ये वाली वैल्यूज भी आ जाएं और ये वाली वैल्यूज भी आ जाएं। तो आप यहाँ पर आकर किस तरीके से इसको एक्सेस करोगे, आपने कोर्स के जरिए ये एक्सेस की। अब आपने यहाँ पर आकर ये क्या है आपका डिपार्ट, तो आप यहाँ पर डिपार्ट के जरिए इसको एक्सेस कर सकते हो, डिपार्टमेंट्स को अपने। इंडेक्स नंबर चेंज कर देते हैं हम वन एंड टू, ब्राउजर पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये देखें आपके पास सारी वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, अच्छा अब सपोज इस तरीके से वैल्यूज हैं, और आप क्योंकि मल्टीपल आपकी वैल्यूज यहाँ पर पड़ी हुई हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप लूप भी लगा सकते हो, लाइक मैंने इसको अभी फिलहाल कमेंट किया, और यहाँ पर भी आकर मैंने इसको कर दिया कमेंट। फॉर ईच लूप को जो है वो हम यूज कर लेते हैं, और यहाँ पर आकर मैंने पास किया है कोर्स और अब आइटम के अंदर वैल्यूज आ चुकी होंगी, तो हम यहाँ पर डॉलर आइटम पास कर देंगे। ब्राउजर पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो देखें हमारे लूप के जरिए वैल्यूज आ रही हैं। आई होप कि आपको ये तीनों मेथड समझ में आ गए होंगे, कॉम्पैक्ट, विद और एरे को यूज करते हुए हम किस तरीके से जो है वो पास कर रहे हैं कंट्रोलर से डेटा व्यू के अंदर। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।